अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। दादरी कोर्ट में भाई और हमारे साथ मौजूद हैं अनूप और पिंकी। आज ये कोर्ट में क्यों आ रहे हैं, कोर्ट में किसी ने बुला रखे हैं, क्यों आ रहे हैं और घने पत्रकार साथी भी आ रहे हैं एक। हाँ जी नमस्ते जी, क्यों पहुंचे कोर्ट में आज, बुलाए किसी ने? कोर्ट में वो गिरफ्तार कर रखे हैं तो उनकी पेशी है तो हम। नहीं, कौन गिरफ्तार? आप गिरफ्तार कर रखे हो? नहीं, वो सपना के परिवार जिन्होंने हम पे हमला किया था। सपना और उनका परिवार जी, इसमें सपना भी अरेस्ट है? अनुभाई राम राम जी। राम राम। तो सपना भी अरेस्ट है? हाँ बिल्कुल जी। तो सरपंच साथ आया? सरपंच शाम को तो नहीं था लेकिन पुलिस वाले बोल रहे थे कि साथ लेके आएंगे। अब तक नहीं हुआ है? अब तक अरेस्ट नहीं था। तो बात यहाँ एक और आ गई सर, वो बच्चा छोटा सा जिसके आप बाप हो, अब मान लो सपना अरेस्ट है तो वो अभी तक तो हवालात में है लेकिन अंदर भी जाओगी अगर उसने कोई जुर्म कर रखा है तो बच्चा हमारे पास रहेगा फिर? नहीं, वो तो उसमें तो सपना की भी जो है ना, सपना ने मतलब कि गुनाह कर रखा है तो सपना बच्चे का सहारा थोड़ी ले सकती है। अगर अंदर जाएगा तो उसका बाप है, दादा दादी भी तो हैं पीछे, तो बच्चा दादा दादी के पास बाप के पास रहेगा। आपकी तो सपना के साथ 36 का आंकड़ा है, आप उसके बच्चे से कल ना अपनी घोष निकालोगी, अपने अंदर की भड़क निकालोगी। अगर कौन रखे थोड़ा है मेरा, सपना से है उसके बच्चे से थोड़ी है, बच्चा तो अनूप का है, अनूप का भी तो है। आप अपना मानोगे इसको? हाँ बिल्कुल, अनूप का बच्चा है तो मेरा भी बच्चा है वो। अच्छा, आपका इसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार है? आप भी, मैंने सुना आप भी झगड़े करती हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मतलब कि थोड़ी बहुत लड़ाई घर में सबकी होती है, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। इसके मम्मी पापा और हम सब मिलके रहते हैं आराम से प्यार से। आए ना, आपने कुछ दिन नहीं हुए आप झगड़ा करने लगे? झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो पीछे की बात है, पीछे सपना ने मतलब कि उन पे एफआईआर वगैरह करवा रखी है तो वो भी मतलब कि इंसान उनके मन में भी आती है, वो बोलते हैं कि भाई इसने पीछे उसका साथ दिया था, उसने हमारे साथ ये करवाया था, इस वजह से बस इसी बात पे होते हैं कि भाई पीछे जो हो गया वो हो गया, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी मॉडलिंग करते थे क्या? नहीं जी। सिंगिंग करते थे? नहीं। मतलब इस फिल्म लाइन जो हरियाणवी नहीं, इसमें कुछ नहीं, 1% भी नहीं, नहीं। कहाँ से आगे सपना के पास वो आपके? मैं तो टीचिंग करती थी कोचिंग सेंटर में। सपना डांसर थी, आप टीचर थी? सपना वो तो मेरे को पार्लर में मिली थी सर, पार्लर में गई थी, पार्लर में मिली थी, पार्लर की मीटिंग लिव इन रिलेशनशिप तक पहुँच गई जी सर। बहुत बढ़िया बात भाई। देखो ये है वो पिंकी जो जिनकी काफी जबरदस्त पिटाई हुई थी, साथ में इनका जो लिव इन रिलेशनशिप वाला अनूप है उसके साथ भी पिटाई हुई थी। एक बात और मैंने सुनी है कि आप लोगों ने शादी कर ली, आप ऐसे कैसे शादी कर सकते हो विदाउट जब तक तलाक? क्या सबूत है शादी कर ली? कहाँ कर रखी है, दिखाओ कोई सबूत, कहाँ कर रखी है शादी? नहीं कर रखी। नहीं कर रखी। हाँ अनूप भाई, हमारे कोर्ट से लिव इन के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास हैं, शादी हमने नहीं की, शादी जब होगी जब तलाक हो जाएगा। मान लो कल ने बाय द वे सपना वापस आ जाओ है और आपसे हाथ पांव जोड़ के गलती मानना, इंसान ही तो गलती करता है, तो फिर ये कहाँ जाओगे? नहीं जी बिल्कुल, देखो मैं सपना से तलाक चाहता हूँ बिल्कुल 100%, और इसमें जब तक तलाक नहीं हुआ हम लिव इन में हैं और जैसे ही तलाक हो जाएगा हम अपने शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। पब्लिक तो कहती हो नाश की जड़ तो आप हो, आप ही क्यों ना हट जाती, इनका घर बस जाओ। ये मतलब कि पहले नाश की जड़ मैं थी, पब्लिक बोल रही है, तो 3 साल पहले मतलब कि वो लेके आई थी तो नाश की जड़ वो नहीं हुई जो पहले किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने और अब सीधा बोल दिया कि भाई नाश की जड़ वो है। मैं कैसे नाश की जड़, वो नहीं थी नाश की जड़ जो लेके आई थी, अपने पति के साथ सेटिंग करवा दी, ये करवा दी हैं, वो नाश की जड़ नहीं थी। आपने नहीं सोचना चाहिए था? सोचना चाहिए था, मैंने तो नहीं सोचा, सोचा तो उसने भी नहीं। आपने भी तो सोचना चाहिए था, आप किसी के ऐसे किसी के एक बेटे के बाप के साथ, अब मतलब कि किसी के साथ वो बोलते हैं ना मतलब कुत्ते को रोटी डालते हैं तो उससे भी मन मिल जाता है, तो अब इसके बात करवाई तो मन नहीं मिल सकता, ऐसे मन मिल गया तो हमने कर ली। 1 साल पहले भी उसने हाथ पैर जोड़े थे हमारे सामने, कल की तौर मन मिल जाएगा वो तो अब ऊपर वाला जाने आगे की हमें थोड़ी ना पता है, मन मिल जाएगा तो मिल गया तो फिर कोर्ट में पाओगे। इसका तो मिल गया, इसके तो ऑलरेडी वाइफ थी, आपका तो हस्बैंड नहीं था मान लिया, इसका तो ऑलरेडी वाइफ थी, इसका आपसे भी मन मिल गया, इसका सपना से भी लव अफेयर था आदमी तो... का देखो सर, मन मिलने का भी कुछ नहीं होता, एक आदमी परेशान भी होता है, उसने इतना टॉर्चर कर रखा था 3 साल से, मान लो अब ये उठा रही है कि 1 साल से ये बीच में आ गई तब हो रहा है, 3 साल से वो एफआईआर कटवा रही है, कभी इसके माँ बाप को मरवा रही है, कभी इसको धमकी दे रही है, कभी वो चौक वो कीड़ी मारने वाला वो चौक खा लेती थी कि मैं चौक खा लूँगी तू घर आ जाएगा तो मैं फांसी खा जाऊँगी, तो अब वो इतने ड्रामे कर रही थी 3 साल से, अब ये मारा क्यों उठा रही है वो 1 साल से, ये कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी है साहब आपके पास? मेरे पास तो कुछ नहीं है जी प्रॉपर्टी।
मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? मेरा पिताजी हैं तो मेरे पास प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? आपके वैसे आपके पिताजी के नाम की कितनी जमीन आपके बाट से मार है? पिताजी के नाम में यही लगभग 2-2.25 एकड़ जमीन है। तो आपका 1.25 एकड़ 1 एकड़ लगभग? हाँ, 1 एकड़ के लगभग। एक वो घर जिसमें सपना रहा है जी, यही है। हाँ, तो आपने ना एक बात कही थी मेरे एक इंटरव्यू में कि सपना ने तो प्रॉपर्टी देख के इससे शादी की थी, ऐसा ही था जी? मतलब कि ये है ना, वो फिल्म शूटिंग वगैरह करते थे उस टाइम पे, तब उसको लगा कि भाई ये फिल्म शूटिंग वगैरह करते हैं, तो अभी इसने बात भी रखी थी उसने कि शादी के बाद मतलब कि अभी मैं मॉडलिंग करूँगी। फिर वो लड़का हो गया था, उसके बाद भी इसने झगड़े शुरू कर दिए थे इसके साथ कि मैं तो मॉडलिंग करूँगी, अपने लड़के को खुद संभाल ले, ये कर ले। अब आप जॉब नहीं करते जी? नहीं, मतलब अब ये आपने तो बोला था ये कंगाल निकला, सपना ने इसको कंगाल करके छोड़ दिया, ये कंगाल निकला। मैंने ये नहीं बोला कि ये कंगाल, मैंने बोला था सपना बोली थी कि वो कंगाल निकला। कंगाल निकला जी, यही बोली थी ना जी। तो फिर क्या करोगे, आपको कहाँ से खिलाएगा ये कंगाल है? मैं अब ये जो लड़ाई हुई ना तब से जॉब नहीं करी, अभी 1 महीने से। 100% आपने इसको कमा के खिलाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं खिला ही रही हूँ, मैं जॉब करी थी पहले, हम दिल्ली रहते थे बाहर, वहाँ भी मैंने कंपनी ज्वाइन कर रखी थी, और अभी यहाँ बाड़ा में है। पहलवान है, कब तक लुगाई यही कमाई खाओगा भाई? देखे वो है ना, घर चलाने खातर लुगाइन भी कमाना पड़ा है और आदमी कमाना पड़ा है। इब कमाई मेरे पास भी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं भी कमाता, थोड़ा बहुत ही कमाई तभी तो घर चलेगा। एक सीधा सवाल लास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जो आप लोग वायरल हुए दुनिया भर की वीडियो, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई सपना को गाली दे रहा है, कोई सरपंच को गाली दे रहा है ना, सच है ना ये जी। साहब आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह से रोज की रोज मतलब लोगों के सामने गाली खाते हुए? और पहले क्या बात करते हो? हमने नहीं बुलाए सर, पहले शुरुआत करी थी सपना ने, मेरे पास आपकी कॉल आई थी आपके भाई संदीप की, अब ये नहीं कह सकते आपके पास नहीं आई, मेरे पास मैं दिखा दूंगा। शुरू की बता रहे हैं हम, आपके पास कॉल की होगी संदीप ने, लेकिन उससे पहले 10 दिन कॉल, तब भी मैं नहीं आया था। नहीं, ये नहीं कह सकते आप, बिल्कुल नहीं कहोगे ये। शुरुआत में जो मीडिया का खेल शुरू किया था वो सपना ने ही किया, मैंने बताया सुमित, मुझे मालूम है सपना ने। हाँ, वो फांसी खाने का कुछ ढूंढ रहा है। उसके बाद हमने बुलाने शुरू किए हैं, क्योंकि पहले उसने मीडिया वाले बुलाए, तो इन्होंने लिखा कि दूसरे पक्ष को, पब्लिक ने भी लिख रखा था कमेंट में कि दूसरे पक्ष को बुलाओ, दूसरे पक्ष को बुलाओ, तब हम सामने आए थे कि ये बात है। दोनों पार्टी में एक और मैंने खास बात देखी, जो आप लोगों की दिखा देता है ना, आप लोगों की मतलब जो आप बोलते हो वो लोगों को दिखा देता है, मतलब बस एक पक्ष दिखा दे वो तो आप दोनों को लग रहा है प्यारा, सरपंच भी है उसमें, आप भी हो सपना भी हो, आपने भी सपना सरपंच वो एक पक्ष हो गया, जो भी उनके हक के दिखा रहा है वो उनके लिए बेस्ट है, उसको घर बिठा के दूध पिला रहे हैं, बाकी नहीं लग देंगे साले, ये भी हैं और मैं भी हूँ। एक दो पत्रकार भाइयों इनने भी कही हम उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, मुकदमे वाले ऐसी फोटो वायरल कर दी थी। फोटो किसने वायरल की? फोटो तो आप लोगों ने वायरल कर रखी थी ऑलरेडी। फोटो वायरल मतलब कि फोटो वायरल का कोई सिस्टम नहीं था इसमें, उसमें बात ये थी कि उन्होंने ये बोल रखा था ये पुरानी फोटो, सिर्फ हमने ये बोला था कि भाई फोटो आपने डाल ली है तो कम से कम पूछताछ तो करो ये फोटो कब की है, वो फोटो थी 1.5 महीने पहले की और इन्होंने डाल रखी कि ये पुरानी फोटो है, हम 1 साल से लिव इन में रह रहे हैं। भाई ने एक वीडियो में बोला कि भाई उस फोटो उसके हमने सबूत दिखाए हैं, वो फोटो कब की है, हम शादी में गए थे मेरे गाँव में, तो वो उस चीज की हमारे पास एल्बम थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरे गाँव में जाके पूछ लो कि हम शादी में 1-1.5 महीना पहले आए थे तब की फोटो है। चलो अब जैसे सपना ने इसके साथ जो किया, हमें मतलब ये पहले कैसे रहते थे, क्योंकि वो कुछ कह रही है ये कुछ कह रही है, कल ने यो एक किसी और ने लिया होगा, तो फिर आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगी फिर? आप भी कोर्ट में? कोर्ट में क्यों जाऊंगी ये बताओ, अब एक आदमी एक चीज एक मतलब मुझसे परेशान हो गया, तो दूसरा इसने कोई देख लिया सुख दुख तुम बांटने वाला, तो अब तीसरी थोड़ी ना आदमी कोई देखेगा, और देख भी लेगा तो भाई नहीं रहना चाहे तो जाओ, हैं वो तो अगले की सोच है, अब मैं थोड़ी ना उस पर बैन लगाऊंगी कि तू तीसरी के पास चला गया, अब नहीं रहना चाहता तो मत रहो। देखो हमारा देश ना अभी पश्चिम सभ्यता की तरफ इतना भी नहीं गया है कि हम लोटे में ऊँट फंसा दें, तो अगले को हम एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हरियाणा में आजकल हमारा हरियाणा कुछ ज़्यादा लोटे में ऊँट फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई साहब आप सबसे रिक्वेस्ट है, पिंकी आपसे भी मैंने रिक्वेस्ट है, अनु भाई अब ये बंद करो सिलसिला मेरे भाई, बहुत हो गया, क्योंकि तो काफी बदनामी, मतलब कि हम तो बंद करें, हमने तो बदनामी मतलब कि उछाड़ी भी नहीं, हम तो जी 1 साल से लिविन में रह रहे हैं, हम मतलब कि अगली के पास भी नहीं जाते थे, दादरी रहते थे पहले, पहले दिल्ली रहते थे, ऊपर दादरी से पहले हम रहते थे दिल्ली, उसके बाद हम दादरी आए थे, बैंक वाले के भी किसी मकान में आप रहते थे जी दादरी में, वहाँ से भी मेरे पास कॉल आई है,
आप लोगों के बारे में भला बुरा कहा है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो कि जहाँ जाते हैं आप लोगों की बुराई हो रही है, सपना की अच्छाई हो रही है, जो कि आप लोग सपना की बुराई कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं। देखो अब मीडिया पे भी ये बात है और ऑडियो से भी लोगों को पता चल गया कि कौन गलत था कौन सही है, और सारी बात अब कोर्ट में पता चल जाएंगी, जब जिनको सच्चाई जिस दिन सामने आ जाएगी उन सबको पता चल जाएगा। एक बात में लास्ट सवाल है मेरा वो जी पिंकी जी, जो ये रेप केस वाली कुछ आपने जो बोला था या कुछ इस तरह की जो हरकत कुछ हुई थी, क्या एक्चुअल में आज लास्ट है ये हुई है, इसमें मतलब जो ये आरोपी हैं वो सारे उनको सजा पक्की है? ये बताओ कि मतलब कि कैमरे में वीडियो में सब दिख रहे हैं साथ के साथ बंदे, और जो मैंने बोला है वो मैं तो ये बोल रही हूँ कि सबूत है, मेडिकल भी हुए हैं, मेरे भी हुए हैं, उनके भी मेडिकल होंगे हैं, मैं इतना ये बड़ा झूठ बोलूँगी क्या? उस टाइम पे मैंने भी लोकेशन निकाल लो इनकी, इनके अंदर भी मतलब कि सबूत मिले हैं, वो टीम भी गई है सारी, मेरे कपड़े तक अंदर मिले हैं, तो झूठ कैसे हो गया? अच्छा, रियल में आप वहाँ विदाउट कपड़े बाहर आए थे? विदाउट कपड़े मैं दो दिन तक वीडियो में भी देख लो आप, मैं इसकी टी शर्ट डाल रखी है वहाँ रोज तक भी। सच है? हाँ सच बात है बिल्कुल। तो भाई ये एक वीडियो जब भी हम आते हैं, चाहे सपना चाहे ये चाहे सरपंच, एक्चुअल जो पब्लिक के सवाल होते हैं उन्हीं के साथ इनसे मिलते हैं, सीधम सीधा बात करी है आज, फिर सीधम सीधा बात करी है, बात है फिर छोटे बच्चे की। भाई हमारा तो कहना यो है कि भाई जो वो छोटा बच्चा है, अगर मान लो बाय द वे सपना के ऊपर कोई केस फाइनल हो जाओ और उसको जेल जाना तय हो जाओ, तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, कहाँ रहेगा बच्चा? तो भाई ये जो पार्टी है अनूप और पिंकी, वो बच्चे को रखने के लिए तैयार हैं, और भाई वैसे वो तो सपना के ऊपर भी निर्भर है कि वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी, किसके पास छोड़ेगी या अंदर लेके जाओगी। वो तो साफ साफ मना, मतलब कि कल भी वो पूरे रात थाने में थी, तो पुलिस वालों ने बोला था कि तू अंदर रहेगी तो बच्चे को नहीं रख सकते, इसके बाप को बच्चा दे दे, तो उसने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा दो दिन भी हमारे पास आ गया ना तो मुड़ के बच्चा उसके पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसने इतना डरा रखा है उस बच्चे को कि वो मतलब डर के मारे अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं। कितने दिन का हो गया वो? 3.5 साल का। तो बच्चा आकर इतनी वो नहीं होगी, वो तो छोटी, इतनी सोच अभी उसकी नहीं हुई है कि भाई वो ग्रोथ नहीं कराया, सारी बात समझेगा, थोड़े दिन में हो जाएगा नॉर्मल, जहाँ भी रहेगा वैसा ही रहेगा वैसे तो। चलो भाई एक ये छोटी सी वीडियो हमने अनूप और पिंकी के साथ बनाई थी, कोर्ट में आ रहे हैं ये, और कोर्ट में ये भी लाइव देखने आ रहे हैं कैसे सपना को हाथ में हाथ गाल के लेके जाएंगे जी, यही बात ना? नहीं जी, हम तो अपने काम से आए थे, हमारे साइन होने थे उस कागज पे, वकील ने बुलाया था, हम तो अपने काम से आए। चलो तो भाई सारे भैया ने राम राम, फिर मिलते हैं अगली किसी अपडेट के साथ। अगर कोई हैवी मैटर आ गया, मान लो सपना अरेस्ट है जैसे ही, या फिर सरपंच अरेस्ट है, तो हम दोबारा आ सकते हैं। तब तक के लिए सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।